हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्मार्ट नेटवर्क में। तो बात करेंगे फ्रेंड्स, राज्य सरकार के सभी संविदा कर्मियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। सभी संविदा कर्मियों को यहां पे अस्थायी करने की बात की जा रही है। ठीक है, संविदा कर्मियों को अब जो है वापस नहीं किया जाएगा। और साथ में बेल्टोन कर्मी के लिए यहाँ पे बड़ी अपडेट है। क्या है अपडेट आपको जानना बहुत जरूरी है, वरना आपके साथ भी हो सकता है, आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है बाद में। ठीक है, तो दोनों अपडेट आज हम आपको बताने वाले इस वीडियो में। वीडियो में बने रहिए एंड तक, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आइए जानते हैं क्या है अपडेट। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस पेपर कटिंग को, यहाँ पे आपको साफ साफ यहाँ पे सब कुछ दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, राज्य सरकार ने ग्रामीण विकास के सभी संविदा कर्मियों को बड़ी राहत देने की बात कही गई है। ठीक है, तो सरकार ने ग्रामीण विकास के बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी BRDS में संविदा पर कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। ठीक है, अब सीधी अनुशासनात्मक कार्रवाई से नौकरी नहीं जाएगी, यानी कि सीधी तौर पर आपका सेवा वापस नहीं किया जाएगा, आपकी नौकरी नहीं जाएगी, उसके लिए आपको स्पष्टीकरण पूछा जाएगा। ठीक है, BRDS कार्यकारिणी समिति में कर्मचारियों और अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई से संबंधित प्रावधान को संशोधित कर दिया है। इस पहल से हजारों मनरेगा कर्मियों को सहूलियत होगी। अभी तक अनुबंध पर नियोजित BRDS कर्मियों और अधिकारियों के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई के अनुबंध को रद्द करने या संविदा को समाप्त करने का नियम था। मनरेगा आयुक्त ने राज्य के सभी DM और DDS को नियमावली के साथ दिशा निर्देश जारी कर दिया है। ठीक है, गौरतलब है कि DM जिला कार्यक्रम संबंधी और DDC पर जिला कार्यक्रम संबंधी होते हैं। अब कर्मचारी अधिकारियों के विरुद्ध दोष की प्रकृति एवं गंभीरता के अनुसार दंड दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है आप कर्मचारियों के विरुद्ध यहाँ पे जो है एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, आरोप के अनुसार दंड के साथ तरह की श्रेणी रखी गई है। लिखित चेतावनी, बिना संचय प्रभाव के 3 वार्षिक वृद्धि पर रोक। ठीक है, तो 3 वर्ष के लिए यहाँ पे जो है उनका वार्षिक वृद्धि रोक दी जाएगी। तो मानदेय का जो वृद्धि होता है वो रोक दिया जाएगा। तो इसके अलावा 1 से 5 साल तक के लिए 5 से 25% का मूल मानदेय में कटौती की जा सकती है। ठीक है, तो इस कटिंग के माध्यम से मैं को बता दूं कि क्या यहाँ पे सरकार कहने जा रही है। सरकार का ये निर्देश जारी हो चुका है फ्रेंड्स। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि जब भी अगर किसी भी संविदा कर्मी का सेवा समाप्त होता है, आपने देखा होगा कि कहीं भी किसी वक्त जो है सेवा समाप्त कर दिया जाता है संविदा कर्मियों को, और उन लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। ठीक है, और इससे सरकार परेशान होकर अब अधिकारियों को यहाँ पे नोटिस दे दिया है कि अगर आपके विभाग से कोई भी कार्यरत कर्मी जो है अगर सेवा समाप्त किया जाता है तो उसके स्पष्टीकरण आपको देना होगा, और साथ ही आपको लिखित चेतावनी भी देनी पड़ेगी। तो अगर किसी भी विभाग में कोई भी अधिकारी किसी भी संविदा कर्मी का सेवा वापस करता है तो उसका स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। साथ में उनको ये भी लेटर में मेंशन करना पड़ेगा कि किस वजह से इनको जो है वापस किया गया। ठीक है, अगर इससे कोई नेगेटिव बातें आती है तो इस तरह की प्रॉब्लम उस पर पदाधिकारी के साथ हो सकता है, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ, जैसे कि यहाँ पे इनको मासिक वेतन नहीं दिया जाएगा 25%, उसके बाद इनका जो मासिक वेतन वृद्धि होता है 3 वर्ष के लिए वो भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इन सारी चीज़ें का यहाँ पे मेंशन किया गया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत जल्द जो है आपको ऑफिशियल नोटिस भी देखने को मिल जाएगा, सरकार ने ऐलान कर दिया है। ठीक है, कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद ऑफिशियल लेटर भी यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा, जिसके बाद यहाँ पे जो है अधिकारियों को स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। ठीक है, तो क्यों संविदा कर्मियों को सेवा वापस कर दिया जाए। ठीक है, तो फ्रेंड्स बात करेंगे बेल्टोन कर्मी के लिए जो अपडेट है वो उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारे लोग इससे काफ़ी परेशान है। ठीक है, मैं आपको भी सावधान करना चाहता हूँ। तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा घटना घट चुकी है फ्रेंड्स। ठीक है, इसीलिए मैं आपको सावधान करने के लिए बता रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बेल्टोन के हेल्पलाइन नंबर से यहाँ पे लोगों को ठगा जा रहा है। ठीक
ठीक है, पूरा मामला क्या है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ प्रदेश में जल रहे नली गली ग्रामीण सड़क निर्माण योजना आदि के लिए निकली जाने वाले बहाली के नाम पर ठगी करने वाले से बचने के लिए सलाह दी गई है। ठीक है, कार्यपालक अभियंता पंकज कुमार ने अभ्यर्थियों को आगाह किया है कि बेल्टोन के माध्यम से ई टेंडर में दिए गए हेल्प डिस्क नंबर में छेड़छाड़ कर साइबर ठगों ने मोबाइल नंबर दिया है वह फर्जी पाया गया। यह मामला प्रकाश में आने पर योजना एवं विकास विभाग के अधिकारी हरकत में आ गए और अधिकारियों ने अभ्यर्थी को सचेत किया। बेल्टन के अवसर पर हेल्प डेस्क का दावा कर जो मोबाइल नंबर दिया गया है वह पूरी तरह से फर्जी है। ऐसे नंबर से कॉल आने और पैसे मांगे जाने पर सावधान रहें वरना आप ठगी के शिकार हो सकते हैं। अब तक 5 लोगों को ठगी का शिकार हो चुके हैं। मामले के गंभीरता लेते हुए कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा लोगों को आगाह करने की सूचना प्रदत्त एवं आवश्यकता सूचना जारी कर दी है। तो बस आपको जो स्क्रीन में नंबर दिख रहा है इस नंबर को आपको नोट करके रख लेना है सेव करके फेक कॉल से। अगर इस तरह का नंबर से कोई भी कॉल आए तो आप कॉल रिसीव मत करना या फिर आप रिप्लाई अच्छे तरह से दे सकते हैं। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लगी है। अगर हाँ तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ ही साथ चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।